नमस्कार, आप देख रहे हैं द वंदे भारत। हरियाणा के नूह और गुरुग्राम में दो समुदायों में हुई हिंसा पर बुधवार को हिंदू संगठनों ने महापंचायत बुलाई है। गुरुग्राम में यह महापंचायत बुलाई गई है। फिलहाल नूह हिंसा मामले में अब तक 44 केस दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने 80 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और 600 लोगों पर मामले दर्ज किए गए हैं। उपद्रव में अब तक कुल 5 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 2 होमगार्ड जवान शामिल हैं। नूह में बुधवार को भी कर्फ्यू जारी रहेगा। उधर पलवल में भी 60 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। जानकारी के अनुसार गुरुग्राम में बुधवार को एहतियातन तौर पर मॉल और सिनेमाघर बंद किए गए हैं। बादशाहपुर के आसपास के इलाकों में मॉल और सिनेमाघरों को बुधवार को बंद रखा जाएगा। सेक्टर 65 में वर्ल्ड मार्क मॉल और बादशाहपुर एरिया मॉल सहित कुछ अन्य मॉल बंद रहेंगे। उधर नूह में मारे गए दोनों होमगार्ड जवानों के शवों का पोस्टमार्टम हो गया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि पीट पीट कर इन दोनों जवानों की हत्या की गई है। शरीर पर लाठी डंडों और पत्थरों से मारने के निशान मिले हैं। उधर गुरुग्राम में मारे गए मोहम्मद शाद के शरीर पर भी 10 से 12 चोट के निशान मिले हैं। इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के सीएम खट्टर से बात भी की है। हरियाणा के मेवात में नूह मामले में बजरंग दल का देशव्यापी प्रदर्शन होगा। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द वंदे भारत। नमस्कार।